टीम से रहना जरूरी है। ये आज भी इसलिए रखना है क्योंकि अब ऐसा कि नया साल भी आ रहा है, नया साल भी आ रहा है तो उस प्रकार भी जैसे जैसे इस तरफ रहे तो उनका मिल जाए तो सारे जितने भी त्यौहार हैं सबकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कठुआ में ये सब त्यौहारों में बिल्कुल एक अच्छा साफ स्वच्छ माहौल हम लोग सब मिलकर तैयार करें। बेटा आप सबको प्रशासन की तरफ से और इन जनरल लोगों की तरफ से, मेरे को बहुत लोग मिलने आते हैं जो बोलते हैं कठुआ में साफ सफाई अच्छी चल रही है, आप लोग दिखने लगे हो पहली बार पहली बार ऐसा है कि आप लोग सड़क पे झाड़ू पकड़ के चलते हुए तो दिखे कि हाँ ये लोग हैं, ये करते हैं काम। आज तक तो कभी देखा ही नहीं आपको किसी ने, ठीक है ना, आप कहीं पे बंद, अब एटलीस्ट दिखने लगे हो उसको थोड़ा दिखा के काम को और बढ़ा भी दो, ठीक है ना। आप सबसे मिलना होगा, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इनको क्या लंच का अरेंजमेंट? लंच का प्रोग्राम है सर। चलो ठीक है, अब आराम से यहाँ पे बैठ के अच्छे से करो, कोई और दिक्कत आएगी तो हम बात करें, ठीक है। चलो थैंक यू। ये एक ऐसा कोई त्यौहारी कार्यक्रम नहीं, ये बेसिकली ये रिकॉग्निशन हम कर रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी पिछले तकरीबन एक महीने से अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि एक शहर की साफ़ सफाई भी इम्प्रूव हुई है और उसमें एक चर्चा का विषय है कि कठुआ शहर में साफ़ सफाई अच्छी आज तक हो गई। एक तो घर घर से कूड़ा कचरा कलेक्ट होना शुरू हुआ, दूसरी बात जितना भी आसपास में कूड़े के डंप लगते थे या जो ऐसी जगहें थी जहाँ पर खास तौर से प्लास्टिक वेस्ट रखना होता था उसमें साफ सफाई शुरू हुई। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपना कार्य जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो पूरे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी रोज़ आने के टाइम पे दोपहर को एक बार और शाम को अटेंडेंस लगते हैं। और ये बात मेरे को लगता है कि आप लोग मानेंगे कि आजकल सफाई करने वाले खासतौर से रोड स्वीपिंग और रोड साइड स्वीपिंग सड़क पर दिखने लगे और वो दिखने सिर्फ सुबह के 8 से 10 बजे के बीच में नहीं, दोपहर के शाम के 4 बजे तक ये लोग काम करते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। ये जो आज हमने यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रखा है छोटा सा इंटर खाना, वो इसीलिए रखा है कि पूरे जितने भी कठुआ वासी हैं उनकी तरफ से इनका धन्यवाद किया जाए, इनको उत्साहित किया जाए कि और अच्छा काम करके हमारे शहर को स्वच्छ और सुथरा बनाए। दूसरी बात यही त्यौहारों के नया साल आ रहा है, नए साल के साथ साथ अभी गुरपुरब आने वाला है, उसके अलावा क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, तो उन सबको भी रिकॉग्नाइज करके एक ऐसा फंक्शन इस साल की समाप्ति के लिए नया कार्य शुरू करें ताकि हम एक नए हर्षोल्लास से करें, नए साल में और अच्छी हो, उसके लिए आप यहाँ पर देखाना और एक कार्यक्रम रखें। डीसी साहब आपसे एक सवाल, वो आपको दिख रहा है कि सफाई करें तो क्या ये सब इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कब डीसी कठुआ कमान संभाले और कब जो है ऑर्डर का जो है वो पालन किया जाए? ये ऐसा सवाल तो मुझे लगता है आप ही जवाब दे पाओगे इसका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर साफ सफाई और सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो एक ये शहर की जो हमारा कठुआ जिला है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी साफ सफाई बढ़ती है। साफ सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हमारी हेल्थ के लिए है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कूड़ा कचरा से फैलती हैं। अगर हम डेंगू का ही बात करें, डेंगू मलेरिया कठुआ में बहुत भारी मात्रा में मानसून के सीजन के बाद मिल जाते हैं। आप खुद जानते हो कि तकरीबन हमारे पास 400 से 500 मरीज डेंगू के आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो गंदा पानी पीने से। और दूसरी बात, मक्खी मच्छर था स्ट्रे डॉग की बात करें तो वो कहीं कभी आएंगे अगर हमको कुछ खाने के लिए, तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ मिलकर उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो ये काम अच्छे से करें। अभी तो काम शुरू हुआ है, बहुत चीज़ें करनी बाकी हैं।